नमस्कार दोस्तों, हम और आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन्वेस्टिंग को काफी अच्छे से समझते हैं, बट ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी एज अ बिगनर आप अपने आप को देखते हो इन्वेस्टर, तो आपके मन में कई सारे सवाल आते हैं। अगर आप इक्विटी मार्केट में कूद रहे हो तो आपके मन में सवाल रहता है कि भैया हम इक्विटी से बहुत तेजी से पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप डेट मार्केट्स में जा रहे हो, जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह में जा रहे हो, या फिर आप लोग फिक्स इंस्ट्रूमेंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जा रहे हो, तो आप लोगों के दिमाग में रहता है कि यहां से जो रिटर्न्स होगा वो डिसेंट होगा और काफी लंबे समय तक हमें अपना इन्वेस्टमेंट बनाना होगा। तो एक परसेप्शन है हर सेक्टर के लिए, हर इंस्ट्रूमेंट के लिए, हर तरीके के एसेट क्लास के लिए। दोस्तों, इसी चीज को अगर आप लोग ध्यान में रख करके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को काफी ईजी तरीके से आगे लेकर जा सकते हो, अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। देखिए, मुझे अपने इक्विटी मार्केट में खास करके बात करूं तो लगभग 5.5 से 6 साल हो गए, ठीक है। और इस बीच में मैंने काफी कुछ सीखा है, काफी धक्के खाए हैं, काफी कह लीजिए कि एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। कुछ 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा जो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों की अगर इन्वेस्टिंग जर्नी आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहते हो, डायरेक्टली शेयर मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर डेट मार्केट्स में भी जाना चाहते हो, तो आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है इस तरह की और वीडियोस देखने का, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। मैं रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। आप लोगों का कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे भी आकर के अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे हैंडल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को यह समझना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट किस तरीके का है। लाइक, अगर आप इक्विटी में आ रहे हैं तो आपको इक्विटी को समझना होगा कि हमें इक्विटी से किस तरीके से रिटर्न निकल करके आता है। अगर आप उस रिटर्न्स को समझ पाते हैं, उन तरीकों को समझ पाते हैं कि हाँ इक्विटी इस तरीके से परफॉर्म करता है। देखिए, इक्विटी में बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के। आप ऑप्शन से भी पैसे कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके, आप डायरेक्टली इक्विटी में स्कैल्पिंग करके भी ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं, आप इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके भी पैसे कमा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट करके SIP के थ्रू लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड्स में आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्मॉल, मिड, लार्ज, बैलेंस्ड, मल्टी कैप वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप लोगों का गोल किस तरीके के है, आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन किस तरीके की है, आप लोगों का रिस्क प्रोफाइल क्या है। कई लोग अपनी एज के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, एज के अकॉर्डिंग तो सही है, कई बंदे जो खास करके जो जॉब कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो उनका एक बेसिक सा फंडा होता है कि वो अपनी एज में से 100 में से अपनी एज माइनस कर देते, जितना भी परसेंटेज निकल करके आता है वो अपना इक्विटी में डालते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों कि आप लोगों को आपका अपना रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करना है। अपनी एज के अकॉर्डिंग तो आप देखेंगे, बट आप लोग ये भी डिसाइड कीजिए कि आप लोगों का एसेट क्लास कहां पे किस तरीके का है। कई लोगों का NPS खुला होता है, कई लोगों का EPF खुला होता है, तो NPS और EPF के पोर्टफोलियो को भी आप लोगों को रिव्यू करना पड़ेगा। कई बार आप लोगों का NPS और जो आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो ओवरलैप करता रहता है, आपके पोर्टफोलियो ओवरलैप करते रहते हैं, तो आप लोग उस चीज को ध्यान रख करके कुछ स्मॉल कैप को भी शामिल कर सकते हैं, कुछ मिड कैप को भी शामिल कर सकते हैं, कुछ मल्टी कैप में जा सकते हैं या फिर इंडेक्सेस में जा सकते हैं, ठीक है। कई लोग केवल ब्लू चिप को ही प्रेफर करते हैं कि भैया हम लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो ब्लू चिप ही प्रेफर करें। तो आप लोग अपने जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उनको भी आप लोग एक बार देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ मुझे इस तरीके के पोर्टफोलियो को भी कवर करना चाहिए, इस तरीके के एसेट क्लास भी अपने पोर्टफोलियो में डालने चाहिए। अगली चीज दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि 2023 की इन्वेस्टिंग की शुरुआत में आप लोगों को भेड़ चाल में नहीं चलना है। क्रिप्टो की आप लोगों ने भेड़ चाल देख ली, किस तरीके से क्रिप्टो में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसे बहुत से लोगों के भी मैसेजेस आते हैं जिन्होंने बिटकॉइन को खरीदा उनके पीक पे और अभी उनको काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, उन्होंने डोज में पैसा डाला, लाखों रुपए डाल करके बैठे हैं दोस्तों और हजारों रुपए उनका -50% पोर्टफोलियो शो हो रहा है, किसी के तो -70% रिटर्न दिखा रहे हैं और मुझे अपना वो पोर्टफोलियो शेयर करते तो मुझे बड़ा दुख होता है दोस्तों कि वो भीड़ चाल में चल करके अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगली चीज इसी में दोस्तों कि भीड़ चाल में चल रहे हैं तो आप लोगों को ये 100% है कि आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है। आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड में आए तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं एनालिसिस करने के लिए, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आप लोगों को ट्रेडिंग में मदद करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले तो एक ओवरऑल कह लीजिए कि
थोड़ा बहुत खुद से समझना होगा चीजों को देख करके कि आपने कुछ वर्चुअल ट्रेड कीजिए, कुछ वर्चुअल मनी डालिए, पैसे मार्केट में डालिए, म्यूचुअल फंड में डाल करके देखिए और अपने आप को उस जगह पे रखिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी मान लीजिए कि 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर फंड को आप चूज कर रहे हो, तो आप देखो कि उस फंड ने 10 साल पहले किस तरीके का अपना ग्राफ क्रिएट किया था, उसमें किस तरीके की एनएवी थी, अभी प्रेजेंट में क्या है, किस तरह के फेर बदलाव हुए हैं। तो अगर आप इस तरीके से डीप में घुसोगे ना, तो आप लोगों को चीजों को समझने में काफी आसानी होगी। आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को जरूर समझो, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल रहे हो तो आप लोग उसको समझो। कई लोग टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, बाद में उनको जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो टैक्स एफडी फिर नहीं निकाल पाते वो, तो ऐसे ऐसी चीजों में वो फंस जाते हैं। फिर अंत में जाकर के हम जैसे यूट्यूबर का सहारा लेते हैं, वीडियोस देखते हैं, अच्छी बात है दोस्तों कि हम लोग एक दूसरे के साथ म्यूचुअल होते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप जितना भी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट करो, आप पोस्ट ऑफिस में भी डाल रहे हो पैसा, तो आप वहां पे उसके बारे में जानकारी लो कि एक्चुअल में ये स्कीम किस तरीके से काम करती है। अगर आप लोगों को एमरजेंसी पड़ेगी तो ये पैसे निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। आप लोगों को अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लान करना है, तो वो बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग जो अभी प्रेजेंट में है वो हमें उतना फुलफिल कर पाएगा कि नहीं, तो अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अगली चीज दोस्तों और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस बात को लेकर के काफी लोग बुरा मान सकते हैं, क्योंकि ये मैं यूट्यूब चैनल्स की भी बात करने वाला हूं, टेलीग्राम चैनल्स की भी बात करना हूं, इवन टीवी पर भी बात करने वाला हूं। देखिए इसमें होता क्या है कि लोग पंप एंड डंप करते हैं, आप लोगों को तरह तरह के एडवाइस देंगे कि इसमें इन्वेस्ट कर लो, इस तरीके के स्टॉक को ले लो, ये म्यूचुअल फंड बढ़िया है वगैरह वगैरह, बहुत तरीके के आप लोगों को एडवाइस मिलेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आपको इन क्राउड से दूर रहना है, इन चीजों से दूर रहना है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है। अब कई बार दोस्तों जो बिल्कुल बिगनर होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि बस भैया हमें इक्विटी में पैसा डालना है, हमें डेट में पैसा डालना है, हमें इस एसेट क्लास में पैसा डालना है, तो बस वो पैसा लेकर के डाल देते हैं किसी की सलाह सुनकर के, या फिर किसी बड़े यूट्यूबर ने कुछ कह दिया उस पर्टिकुलर फंड के बारे में या फिर पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, तो फिर वो उसमें इन्वेस्ट करने की सोचते हैं और वो अपना पैसा डालते भी हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से लोग मेरे पास मैसेजेस करते हैं जिनमें उनका यही सवाल रहता है कि इस पर्टिकुलर यूट्यूबर ने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, मैंने इसको इतने रुपए पे खरीदा है, अभी ये इतने रुपए पे है, मैं क्या करूं। ठीक है, अगर आप लोग भी इस तरीके के पंचड़े में फंसते हो दोस्तों, तो आप लोग एक लंबा पैसा गंवा सकते हो, क्योंकि आप लोगों को जो भी यूट्यूबर बताते हैं स्टॉक्स, उनमें से 100% में से दोस्तों 20% कुछ चल जाते हैं। कहते हैं ना कि आप लोग अगर 100 झूठ बोलते हो 100 लोगों के सामने, तो कम से कम 50 लोग तो उसको लगभग सच मान ही लेते हैं, 10 लोग तो बिल्कुल ही उसको सच मान लेते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि 100% में अगर वो मान लीजिए कि 100 आप लोगों को रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो 20 सही हो जाते हैं, तो आप लोग उन पर भरोसा करने लगते हो। आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर आपका स्टॉक है और अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसके बिजनेसेस के बारे में नॉलेज नहीं है, केवल देखा सुनी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भले ही एक दो बार पैसे कमा लो, लेकिन एट द एंड आप लोग अपना पैसा गवाओगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो और क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए, टारगेट आने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब उसके साथ क्या करना है। तो ये सारा कुछ दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए आपका पैसा है, अगर आपको लगाना है तो आप लोगों को रिसर्च करना पड़ेगा, वरना आप लोग मुंह की खाओगे अंत में जाकर के। ठीक है, बाकी दोस्तों बहुत कुछ चीजें हैं जो आप लोग प्रेजेंट इन्वेस्टिंग में ध्यान रख सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट इन्वेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस समय दोस्तों ये डिजिटल का जमाना है, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे चांसेस भी हैं कि आप लोगों के साथ फ्रॉड भी हो सके, आप लोगों के साथ फ्रॉड किया जा सके, आप लोगों को धोखा दिया जा सके, आप लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस रखा जाए जिनमें आप लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न दिखेंगे, वो पूंजी स्कीम टाइप की चीजें, तो उनमें भी आप लोग फंस सकते हैं। तो चीजों को समझिए, सीखिए, फिर जाकर के अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट की तरफ रहिए, आप लोगों के पास पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स है जिनको समझना काफी आसान है, जिनमें पैसा डालना काफी आसान है। बाकी अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं, तो आप लोग उसके बारे में सीखिए, उनके रेशियोज को समझिए और अपने लिए अपने से कम बेस्ट फंड को चूज कर सके। बाकी आप लोगों का जो भी फिल्टर निकल करके आया, जैसे कि मान लीजिए कि फलाना SBI का आपने चूज किया, एक्सिस का चूज किया, HDFC का चूज किया, अब आप लोगों को यूट्यूब पे आना है और फिल्टर करना है कि भैया इन तीनों में से मेरे लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है।
ठीक है, कम से कम आप लोगों को ये पहले फाइंड होना चाहिए कि इन तीनों जो मैंने देखे हैं वो बेस्ट है। अब इनमें से हम फिल्टर करते हैं, दूसरों की हेल्प लेते हैं कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। बाकी अगर आपने अपना अभी डीमेट अकाउंट नहीं खोला तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी प्रिंट है कमेंट, आप लोग जाकर के वहां से चेक करो, अपना डीमेट अकाउंट खोलो। और दोस्तों आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो ऑब्वियसली आप लोग इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। और हां, अगर आप लोगों को लगता है ये हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, दूसरों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं और उनकी भी मदद कर सकते हैं, उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी 2023 में अच्छी खासी स्टार्ट हो सकती है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।